क्वेश्चन नंबर क्या 83 क्या है? देखो सवाल ये है, किसी वस्तु की मूल्य में 10% की वृद्धि होने से, कितनी वृद्धि में? 10% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 1100 रुपए में, कितने रुपए में? 5 केजी वस्तु कम खरीदता है, कितनी कम खरीदता है? वर्तमान बताओ, वास्तव बताओ, तो ज्यादा झंझट भैया 10% भाव बढ़ाए ना तो 10% रुपए ज्यादा ले लो। अब 1100 का 10% क्या होता है? तो 10/100/10 होता है, क्या होता है? 100 भैया, 110 रुपए उसको क्या करो, क्या करो? नहीं तो भैया वो 5 केजी माल क्या करेगा? पक्का कम देगा। यानी इसका मतलब क्या है कि 5 केजी का भाव आज क्या है, तो 1 केजी का भाव क्या निकलेगा? 5 केजी का 110, 1 केजी का 5 रुपए। ये कौन सा है? पांच वाला या वर्तमान वाला? क्या तो पहले वाला कैसा? वास्तविक वाला। तो भाई भाव 10% बढ़ा तो आगे के लिए क्या 110/100, और पीछे के लिए 100/110। तो ये वर्तमान भाव है। कौन सा भाव है? तो पहले वाला जिसे हम वास्तविक बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? वो क्या होगा? 22 × 100/110, कितना? तो 11 × 22, तो वो भाव क्या हो जाएगा? 20। ऐसा बना। और भी कर सकते हैं, 10% बड़ा, 100 का 110 हो गया, 10 का 11 हो गया, 11 × 22 10 हो गया, तो है लेकिन अच्छा अभी रुक जाओ, अभी 84 भी देख लगे। यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% कम हो गया, कितना कम हो गया? अभी कितना कम हो गया? 20%। तो अब एक व्यक्ति 400 रुपए में, कितने रुपए में? 4 केजी वस्तु अधिक खरीदा, कितना अधिक खरीदा? भाव 20% घट गया है ना भाई। अगर भाव बढ़ जाए तो पैसे ज्यादा ले जाओ, और भाव कम हो जाए तो दुकानदार को पैसे क्या दो? कम दो। सरकार होती चुनाव समय भाव कम करती, क्या करती? तो पैसे क्या दो? अगर कम नहीं दो, अगर उसको कम नहीं दो तो हो सकता है क्या? क्या अगर कम नहीं दिया तो दुकानदार चोरी कर ले, एक बात। और अगर कम नहीं दिया, दुकानदार नहीं चोरी करेगा, तो फिर वो क्या करेगा? ज्यादा माल ले लेगा, क्या दे देगा? तो पहली बात तो भाव 20% कम हो गया है। पहले मैंने 400 ले गए थे, तो 400 का 20%, मैं जानता हूँ कि 400 का 20% जो है वो कितना होता है? 80 रुपया। भैया दुकानदार को आप 80 रुपये कम दो, अगर कम नहीं दोगे तो दुकानदार पूरा माल दे देगा आपको, थोड़ा ज्यादा दे देगा, कितना? यानी अभी भी 4 केजी का दाम तो कितना है, क्योंकि आपने उसे 80 रुपये कम नहीं दी, उसने 4 केजी क्या दे दिया? ऐसा होता है, 90 रुपये किलो है, 100 रुपये, 10 रुपये का क्या दे दिया? ज्यादा। यानी 4 केजी का भाव अभी कितना है? 80 रुपये। तो 1 केजी का भाव कितना होगा? 80/4, कितना हो जाएगा बेटा? लेकिन ये कौन सा अभी वाला? कौन सा पहले वाला? क्या था पहले वाला है जिसे हम वास्तविक कहते हैं? अरे भाव घटे 20%, आगे के लिए 80/100, और पीछे के लिए याद कर लो, क्या करो? 20×5=100, 20/80, 4 से 20 कर लिया, कितनी बार? 5×5 कितना होता है? 25 रुपया प्रति केजी, 20 रुपया भाव हमेशा रुपये प्रति केजी का। यानी पहले 25 था, पहले का मतलब वास्तविक दाम 25 था, लेकिन अब दाम जो है इलेक्शन की वजह से कितना हो गया? कितना हो गया? 20। अभी 85 देखेंगे, क्या देखेंगे? कहते एक चाय के मूल्य में 10% की कमी हो गई, कितनी कमी हो गई भी? चाय के मूल्य में 10% कमी हो गई, तो एक व्यक्ति 270 रुपए में 250 ग्राम, कितने रुपए में? 270 रुपए में 250 ग्राम का तो पावर होता है, कितना होता है? 500 ग्राम का मतलब आधा किलो, हेलो, और 250 ग्राम का मतलब पाव भर। तो 270 रुपए में पाव भर चाय कम खरीदता है, क्या कहते हैं? नहीं कम नहीं, क्या कहते हैं? अधिक। पाव भर चाय, भाई भाव कम हुआ है ना तो चाय अधिक खरीदता है, तो 10% कम ले जाओ पैसे, क्योंकि भाव कितना घटा है? 10%। तो 270 का 10% तो आप जानते हो, 1 0 कम हो गया, कितना हो गया? 27 रुपए, कितना हो गया? तो 210 का 10% या 1/10 हो गए, वो होता है 27 रुपया, कितना होता है? भाई आपको माल ज्यादा इसलिए दिया है, मिल रहा है क्योंकि आपको भाई 27 रुपये उसको कम देने चाहिए, कितना? अगर आप पैसा कम ही दोगे तो दुकानदार का टाइम नहीं, भी वो थोड़ा सा माल क्या देगा आपको? कितना ज्यादा दे दिया? 1/4 केजी ज्यादा। 1/4 केजी का मान कितना है? तो 1 केजी का मान कितना हो जाएगा? 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8, कितना रुपये हो जाएगा?
अभी तो फिलहाल हाल फिलहाल में 1 kg माल कितने का है? 160। लेकिन पहले क्या था? अभी पहले से अब दाम घट गया है, तो आगे जाने के लिए 10% मिला है तो 90%, और पीछे जाने के लिए 100। तो पीछे वाला दाम क्या था? 108 गुणे 100 बटे 90 क्या था? 0.09199 यानी कितना था? 120 कितना था? तो ध्यान देना, ये तो है कौन सा? वर्तमान। और ये है पहले वाला, पहले वाला जिसे क्या बुलाते? वास्तविक। क्या बुलाते? क्या बुलाते? तो हो गया अभी तो उतार ले, और आज के लिए इतने ही रखें। समझ में तो आ गई ना?